पहली बात, गलत को हम गलत मान ले तो छूट जाएगा। हम गलत को गलत नहीं मानते, ऊपर से तो गलत कहते हैं, अंदर से उसमें महत्व बुद्धि होती है, उसमें सुख बुद्धि होती है। कोई भी हम जब असद आचरण करते हैं तो तभी होता है जब उसमें सुख बुद्धि होती है। आप देखिए, नहीं, सुख बुद्धि के लोभ से तो हम गलत आचरण करते हैं। मान लो किसी का धन छीना, या हम व्यभिचार प्रवृत्ति में उतरे, या चोरी हिंसा, जो भी हम अधर्म आचरण करते हैं या गलत खान पान करते हैं, तो उसमें आंतरिक वृत्ति होती सुख होती कि नहीं, पहले बोलो, सब बोलो। अगर हमसे कोई भी गलत आचरण होता है तो हमारी उसमें सुख बुद्धि होती है, होती ना, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, आनंद आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। इसी को अज्ञान कहते हैं। कभी अधर्माचरण के द्वारा किसी को सुख नहीं मिलता है, पक्का। तुम्हें थोड़ा तुम्हारे चिंतन के कारण अनुभूति होगी कि सुख है, लेकिन उसका परिणाम जो आएगा वो भयंकर दुख रूप आएगा, फिर असहनीय होता है। तो हम जब गलती को गलती मान लेते हैं, पाप को पाप मान लेते हैं, अधर्म को अधर्म मान लेते हैं, तो हम उससे निकल पाएंगे। जब हम गलती को गलती नहीं मानते, सुख रूप मानते हैं, अधर्म को भी मानते हैं, चलता है ऐसा चलेगा, फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे। अगर हम उसको, जैसे आज ही सत्संग में कहा था कि अपने लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, अब हमारे आगे कोई शराब रखे, मांस रखे, तो ना स्फुरणा होगी और ना क्रिया होगी, क्योंकि वो निषेध है ना। तो इसी कोटि में अगर हम हर आचरण रख लें जो निषेध है, इसको तो हम इतना निषेध मानते हैं, लेकिन पराए शरीरों के राग को, भोगों को, हम उस कोट से नहीं मानते हैं ना, सुखद मानते हैं ना, और अंदर से कि चलेगा, तो फिर आप गिरोगे। अगर उसी कोट से हो जाए तो कोई गिरा ही नहीं सकता, क्योंकि ना स्फुरण होगी ना क्रिया होगी। जब स्फुरण ही नहीं तो संकल्प नहीं बनेगा, संकल्प नहीं बनेगा तो क्रिया नहीं होगी। अगर हम गलती को वास्तविक गलती मान ले, वास्तविक गलती कब, जब उसमें सुख बुद्धि नहीं रहेगी, तब हम कहते तो है कि गलत है और नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए, पर अंदर से सुख की भावना है। बस यही अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट कर देती, इसी का नाम है सुख की आशा। सुख की आशा, ये आशा रूपी फांसी में जीव बांध करके जन्म मरण चक्र में बार बार, और उससे बचने का उपाय आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उसमें आशा नहीं है जो धर्म विरुद्ध आचरण, कि इसमें सुख मिल जाएगा। अगर उसकी आशा बनाए रखे हो, मतलब किसी के रूप को देखकर, किसी के शरीर को देखकर, किसी के वैभव को देखकर, किसी भोग को देखकर, इसी में तो हम फिसलते हैं। अगर हम दुखद बात समझें तो हमारी बात बन जाए। हमारे मित्र ऐसे मिल जाते हैं, हमारे सहयोगी ऐसे मिल जाते हैं जो अधर्म का सपोर्ट कर देते हैं, चलता है, हम तो ऐसा खाते हैं, हम तो ऐसा पीते हैं, वो सब चलता है यार, कहाँ तुम फंस गए। अब तुम्हारी बुद्धि को असत मार्ग में दृढ़ कर रहे हैं। अगर साधु संग मिल जाए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय हो, और हम समझ पाए कि वास्तविक ये गलत है, तो वो गलती छूट ही जाएगी। जो हमने गलत माना वो कभी नहीं किया, पर व्यभिचार, अब वहां देख लीजिए, क्यों, क्योंकि हम उसको उतना गलत नहीं देख रहे हैं। अगर हम ये देख लें कि ये तो उसी लाइन में, उसी पंक्ति में, कैसे स्फुरण हो गया, कैसे संकल्प बन गया, कैसे चेष्टा हो, बोले बहुत उपाय करते छोड़ नहीं पाते, क्योंकि सुख बुद्धि ऐसी लेने छोड़ पाते। अभी बढ़िया खीर बना के आपको दे, और आपका कोई विश्वसनीय कान में कह दे इसमें जहर पड़ा है, आप ऐसे चखोगे भी नहीं। हम बहुत बड़ाई करेंगे, मेवा पड़ी हो बहुत बढ़िया, आप चखोगे नहीं। तो परम विश्वसनीय संत जन है, गुरुजन है, वो कहते हैं कि अगर आप असत मार्ग से भोगों को स्वीकार करेंगे तो आप दुख में फंस जाएंगे। विष तो एक ही जन्म लेता है, ये विषय तो बहुत जन्म तक मारते रहते हैं, तो हम क्यों नहीं बात मानते संतजनों को, शास्त्रों को विश्वसनीय नहीं मानते, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, और हम फंसते चले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान बड़ा, हम कहते हैं आपने जो किया है अगर वो आपको याद हो तो आप बार बार प्रणाम करो कि भगवान बड़ा कृपालु जो हमको इतना ही दंड दिया। सच्ची मानिए, कैसे कैसे अपराध करते हैं अपने लोग, विचार करके देखो, कैसा कैसा अत्याचार हमारे मन में बसा हुआ है, और जब आचरणों में उतरता हम उसका छुपाव करते हैं, और उसका दंड प्रकट में नहीं मिल रहा है,
तो आप ये मत समझो कि कोई नहीं जाना, सब गोल हो गया। वो कर्म बिल्कुल तैयार हो रहा है, जैसे पहलवान नहीं दूध पी के मेहनत करके तैयार होता तुम्हें पटकने के लिए, वो कर्म रोज का रोज पुष्ट हो रहा है और तुम्हारा नाश ऐसी बुरी तरह से करेगा बच नहीं पाओगे। और अगर उसको गिराना है तो राधा राधा नाम जप करो, प्रभु का जो प्रिय नाम हो जो गुरुदेव ने दिया हो और भगवान के आश्रित हो जाओ, तो कह रहे हैं हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये जो गलती हम कहते हैं कि छूट नहीं पाती, भाई मुझे समझ में नहीं आता हमको कैसे कोई फंसा सकता है। हम उसको सुख मान के स्वयं भोगते हैं, स्वयं फंसते हैं। जब हम ही फंसते हैं सोई माया, माया माने ब्रह्म, हम दुख भगवान कह रहे दुखालयम, हम मान कह रहे सुख है दुख यो नया, हम उसको क्या मान रहे सुख में। बस यही हमारी गलती है, हमें सुधारना पड़ेगा स्वयं से, भगवान संतजन सबके। ये विष है अमृत है, क्या चाहोगे? बोले विष तो जाओ, उसका प्रभाव है उसका, आप अधर्माचरण करोगे उसका दुख है, यहां बंधन नरकादि का, फिर नाना प्रकार की त्रियग योनियों में जाना, और भगवान की शरण में होकर धर्म पूर्वक चलो इह परलोक सब, यहां भी आनंद परम। आप बार बार हम समझाने की चेष्टा करते, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, हरिजू के दिव्य पार्षद आ गए और घोर पापाचरण करने वाला अजामिल, और हरिजू को धाम मिला, नारायण धाम मिला, परम धाम मिला। ऐसे भगवान के मंगलमय नाम है कि बिना भगवत स्मृति के भगवत भाव के पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, तो परम पद मिल गया। अगर हम जानबूझकर नारायण कहेंगे, राधा राधा कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, हरि हरि कहेंगे, तो हम में सामर्थ्य आ जाएगी हर विकार को जीतने के। अब नाम का बल है नहीं और विषयों में सुख बुद्धि है, तो अब रोके कौन रोके? जब ड्राइवर है नशे में हो गया तो अब गाड़ी खंडक में गिरेगी, बुद्धि सारथी है यही। जब विषयों में भोग बुद्धि कर ली, सुख बुद्धि कर ली, अब बचने वाला नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारी से भारी खंडक में गिरा देगा। देखो ना, जरा सी गलती हुई पूरे जीवन जेल मिल रही है, बंधन युक्त जीवन, कैसा नारकी जीवन, पशुवत जीवन, बंधन में हो गए ना, बंधन में क्यों? आप ही तो किए कर्म, आप कर्म किए फंस गए। बहुत सावधान, ऐसी कोई गलती न हो जिससे जीवन भरम पश्चाताप करे और निकल ना पावे। अधर्म का आचरण ऐसी ही स्थिति में फंसा देगा। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, शुद्ध आहार पाओ, अच्छे लोगों का संग करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मन और इंद्रियों से वही विषय सेवन करो जो धर्म आदेश करता है। धर्म के विपरीत सेवन करोगे फंस जाओगे। धर्म जो आदेश करता है, क्या धर्म है? शास्त्र स्वाध्याय, संतों की वाणी से समझ में आ जाता है। उन्हें गौर से देखो तो अपने हृदय में भगवान बैठे बता देते हैं, जैसे ही कदम बढ़ाओगे ये गलत है, फंस जाओगे, मारे जाओगे, ये बस। पर आप नहीं मानते, कुछ नहीं, फिर आता है मन में कि यार अगर पहले जो आया था मन में वो बात मान लेते तो आज दुर्गति को प्राप्त ना होते। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था इसलिए हमसे गलती हो गई। आप सच्ची बताओ, कोई है ना अंदर जो समझाता है? जहां आप गल, जैसे हम बोल रहे हैं आपको, अगर आप थोड़ा भी सात्विक भाव के हो तो आपके हृदय से आने लगे सही बात है, अच्छा है, आनंद है, शीतलता आने लगेगी, समझ लो बिल्कुल ठीक लाइन चल रही। और जहां आपके अंदर जलन पैदा होने लगे, लगने लगे गलत है, तो समझो अंदर की जो अंतरात्मा है वो बता रही ठीक नहीं है। यदि आप तामसिक हो, आसुरी प्रवृत्ति के हो, तो संत वचनों में आपको ऐसा लगने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति, दुष्ट हृदय संतों के वचनों को स्वीकार नहीं करता, उसको वो अच्छा लगेगा, पीना खाना गंदे आचरण करना। तो हमारे जब ही हम कदम रखते हैं तो हमारे गुरुदेव यहीं बैठे, वो कहने लगते हैं गलत है। देखो ना, आप देखो जीवन में अनुभव करो, जब आप असत कार्य के लिए चलोगे तो अंदर कोई रोकता है, ए नहीं गलत है ऐसा, आप उसकी बात मान लो महात्मा बन जाओगे, उसकी बात मान लो धर्मात्मा हो जाओगे। चलो बाहर अंदर की नहीं सुन पाते, बहिर्मुख हो तो बाहर संतों की बात सुन लो, शास्त्रों की बात समझ लो। बिना धर्म से चले चाहे जो युग हो, आप सुखी नहीं हो सकते, शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ये बार बार नाना प्रकार की विपत्तियां, दुख शोक जन्म मृत्यु, इसी में कब तक पड़े रहेंगे? हमें तो लगता है उबो यार, अभी उब नहीं रहे तुम, बार बार उसी भोगों में, बार बार वही जन्म मरण। अरे कम से कम एक बार तो सोचो कि हम इस चक्र से निकले कब, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। अरे वो भगवान से होता है, वो भोगों से नहीं होता है, वो रुपया पैसा से नहीं होता है, वो किसी औषधि में ताकत नहीं है, वो नाम में ताकत है, वो भगवान के आश्रय में ताकत है।